हेलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आई और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फाइव क्लास इलेवन का लास्ट चैप्टर है ये चल रहा है जो हमारा तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं लोग ठीक है लो, उससे हम ऑब्जर्व करते चीज़ों को समझते हैं ठीक है पॉपुलर इन सोशलॉजी में पॉपुलर तो है, है वो बहुत मैथोलॉजी में हुई दोशियलॉजी लर्न अबाउट देशी क्या सकते हैं लर्न अबाउट सोसाइटी कल्चर एंड दैट ही और शी इज स्टडिंग ठीक है कलेक्शन लाइक सर्विस और इंटरव्यूज फील्ड वर्क इन्वॉल्व एन लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरक्शन विद्जेक्ट ऑफ रिस की इंटरव्यूज़ की फील्ड वर्क की तो क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरेक्शन चलता है जो सब्जेक्ट हम रिसर्च करें एंड द रिसर्चर के बीच में ठीक है टिपिकली द सोशियोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेंस मेनी मंथ्स स्पेंड्स मेनी मंथ्स सॉरी स्पेंड्स मेनी मंथ्स यूजली अबाउट अ ईयर और समथिंग मोर लिविंग अमॉन्ग द पीपल बींग स्टडीड एज वन ऑफ दैम ठीक है यहाँ पे यही बोला गया है जब भी सोशियोलॉजी या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत टाइम तक नॉट एज ए आउटसाइडर बट एज ए इनसाइडर मतलब अंदर रह के चीज़ों के लोगों के साथ घुल मिल के वो चीज़ें स्टडी करते हैं ठीक है एज ए नॉन नेटिव आउटसाइडर दट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ सपोज टू इमर्ज इमर्ज हिम सेल्फ और हम सेल्फ इन द कशर ऑफ द नेटिव ठीक है हमको मतलब खुल मिल जाना है बाई लर्निंग देयर लैंग्वेज लैंग्वेज सीख सकते हैं हम एंड पार्टिसिपेटिंग इंटीमेटली इन दियर एवरी डे लाइफ मतलब उनके जो कल्चर है उनका जो भी रहने का खाने का जैसा भी तरीका है कपड़ा पहनने का एवरीथिंग लैंग्वेज से लेकर हमको उसमें ना इंटीमेट करना है खुद को उनके साथ मतलब हमको ऐसा प्रेजेंट करना है कि वी आर वन ऑफ देम ठीक है इन एफर्ट टू एक्वायर ऑल द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लीसिड नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ द इंसाइडर ठीक है अगर आप किसी ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें जानना चाहते इफ़ यू ड्रेस लाइक अदर पर्सन ठीक है तो वो लोग क्या समझे कि ये तो हमें से नहीं है हम हमें से नहीं है जस्ट हमको सीखने के लिए आया है मतलब हम क्या करते वही देखने के लिए आया है बट इफ़ यू एक्ट लाइक Like, आप उन लोगों के बीच में है उन लोगों बातें करते हैं उन लोगों के दे विल फील लाइकिंग ठीक है मतलब अपनापन आएगा वही बोला गया है ऑल दोशियोलॉजिस्ट और एंथोपोलॉजिस्ट यूज स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब भी कोई सोशलॉजिस्ट कुछ भी आ, एक नेटिव प्लेस या फिर कुछ भी स्टडी करता है तो उन लोगों का माइंड में होता है कि यार चलो इनका रिलीजन के रिगार्डिंग उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है ठीक है कुछ, कुछ कुछ हो सकता है कि यहाँ के फीमेल का रोल क्या क्या है ठीक है यहाँ पे या फिर देख सकते हैं यहाँ पे मेल्स का रोल क्या क्या है ठीक है तो ये ये जो है ना उनको उनका रिलीजन लैंग्वेज क्या क्या है तो एक पर्टिकुलर चीज़ों को कोई सोशलॉजिस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं उसमें ठीक है सोशलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट द ओवर ऑर गोल ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फील्ड क्या है वर्क इज टू लर्न अबाउट द होल वे ऑफ लाइफ यहाँ पर क्या क्या है ना कि वन पर्टिकुलर थिंग बट जब भी हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो होल वे ऑफ लाइफ उनका कैसा है क्या नहीं है वो जानने का हम ट्राई करते हैं ऑफ ए कम्युनिटी ठीक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ऑफन कॉल्ड एज फील्ड वर्क पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं फील्ड वर्क भी बोला जाता है नाउ द टॉपिक इज फील्ड वर्क इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी अभी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क को कैसे किया जाता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे फील्ड वर्क एज ए साइंटिफिक मेथड प्लेड ए मेजर रोल इन एंथ्रोपोलॉजी एज ए सोशल सोशोलॉजी में जितना फील्ड वर्क का महत्व नहीं है बट उससे बहुत कहीं गुना ज्यादा एंथ्रोपोलॉजी में है द अर्ली एंथ्रोपोलॉजीड इन एक्सोटिक प्रिमेटिव कल्चर अगर हम अर्लियर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वो लोग मतलब जो प्रिमेटेड है ना एक्सोटिक प्रिमेटिव कल्चर्स फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइवे एरिया जहाँ पे रॉ मीट वगैरह खाते हैं लोग या फिर uh, mm, क्या बोलते हैं उसको पेड़ का खाल वगैरह पहनते हैं मतलब बहुत ही एग्जॉटिक मतलब पूरा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है उनका वो अकेले रहते हैं तो अर्लियर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ना वो उन लोगों को स्टडी uh, करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ठीक है दे वेर आर्म चेयर स्कॉलर्स हो कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन वो कैसे आमचर स्कॉलर अगर हम बात करें ना तो मतलब कुछ कुछ एविडेंस है जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था कुछ कुछ एविडेंस किसी ने गया था वहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन से ऐसे कुछ कुछ ना कुछ अवेलेबल है तो उनको ही वो लोग पढ़ के अपना एक रिसर्च पेपर बना देते हैं थियोरीज बट दे नेवर एवर गो टू दैट प्लेस मतलब वो कभी गए ही नहीं उस प्लेस पे एंड दे आर लाइक मेकिंग एंड आर्टिकल ओवर ये रिसर्च पेपर बना दिया तो आर्म्स चेयर मतलब चेयर पे बैठ के कुछ बुक्स पढ़ा है उससे रिगार्डिंग किसी ने कुछ बना दिया विदाउट एनी एक्सपीरियंस विदाउट एनी की विजिट किया कुछ नहीं किया ठीक है हुइ दे हैड ने दम सेल्स विजिटेड अवेलेबल फ्राम द रिपोर्ट तुमने बोला एंड डिस्क्रिप्शन राइटिंग बाई ट्रैवलर्स हो सकते हैं जिन्होंने लिखा है मिशनरीज कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स सोल्जर्स एंड अदर मैन ऑन द स्पॉट जो भी जिसने भी लिखा है उनकी बात सोच के सुन के मतलब लिख के देख के उसी से मतलब फॉर एग्जाम्पल जेम फ्रेजर का फेमस बुक है गोल्डन बोर्ड द गोल्डन बो ओके हुई इंस्पायर्स मेनी अदी एंथ्रोपोलॉजीज वॉज बेस्ड एक्टायरली ऑन सच सेड एट Accounts. मतलब, second hand, मतलब, जो रिपोर्ट से करते हैं वर्क ऑफ हिमाचल द एंड ऑफ नाइनटीन एंड इन द फर्स्ट डेके मेनी आर दोपोलॉजिस्ट समचुरल साइंटिस्ट बाई प्रोफेशन बिगान टू केरी आउट सिस्टमेटिक सर्वे एंड फर्स्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्राइवल लैंग्वेजेस कस्टम्स रिचुअल्स एंड बिलीफ ये फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन का मतलब है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर रिसर्च प्लेस पे अपने सब्जेक्ट के साथ पूरा अच्छी तरीके से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं आप खुद वहाँ पे जा रहे हैं कलेक्शन uh, कर रहे हैं उनके रिचुअल्स uh, देख रहे हैं सब कुछ उनकी कम्यूनिटीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप वहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है ऐसा नहीं कि आप किसी का पढ़ के सुन के उस चीज़ों को रिसर्च में लिख रहे हैं बल्कि आप वहाँ पर खुद हैं ठीक है थीके? आप वहाँ पर जाके पूरा रिसर्च कर रहे हैं और ये कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी में ठीक है इन नाइनटीन ट्वेंटीज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क हैज़ बीन कंसिडर्ड एन इंचल पार्ट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड द प्रिंसिपल मेथड थ्रो नॉलेज इज प्रोड्यूस ठीक है अभी ये जो था ना पहले का क्या था कि आप सेकेंडरी अकाउंट्स uh, पे भी वो बना सकते थे रिसर्च पेपर बट आफ्टर दिस नाइनटीन ट्वेंटीज़ में ये क्या स्टार्ट हो गया एक स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि चलो हमको भी मतलब इंटीग्रल पार्ट में ये कंक्लूड करना है फील्ड वर्क को ठीक है तो तब से ये फील्ड वर्क क्या हो गया इंटीग्रल पार्ट हो गया अपने सोशलॉजिकल ट्रेनिंग सिस्टम में जब भी आपको सोशलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करना है तो आपको पूरा खुद जाके सब कुछ कलेक्ट करना है वाट डिड द सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली डो हुए एन डोइंग फील्ड वर्क अब हम डिस्कस करेंगे क्या करते हैं एंड कैसे करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये जो प्रिमेटिव डाटा वो लोग निकालते हैं ना प्रेटिव सोसाइटी से एकदम प्राइमरी डाटा सेकेंडरी नहीं तो कैसे निकालते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इनवॉल्व मेकिंग ए डिटेल लिस्ट ऑफ द पीपल हो लिव इन ए कम्युनिटी पहले तो क्या करते हैं डिटेल लिस्ट निकालते हैं जो इस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं ठीक है इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं सेक्स हो सकते हैं एज हो सकते हैं ग्रुप हो सकते हैं फैमिली हो सकते हैं ठीक है कि आ, वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं मेल है या फीमेल है एज कितने रेंज में है आ, मतलब इन्फेंट कितने हैं एडल्ट कितने हैं ओल्ड एज कितने ठीक है देन ग्रुप कितने कितने ग्रुप है जैसे रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं ठीक है थीके? या फिर लैंग्वेज ग्रुप भी हो सकते हैं देन फैमिली हो गया फैमिली न्यूक्लियर है या एक्सटेंडेड है कैसे रहते हैं वो लोग कहाँ पे रहते हैं किस तरीके का हाउस में रहते हैं किस तरीके का रिलीजन फॉलो करते हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं बेसिक इफॉर्मेशन ठीक है दिस कोड भी अकम्पनी बाई एन टू मैप द फिजिकल लेआउट ऑफ द विलज एंड सेटलमेंट यहाँ पे मैप मतलब फिजिकल ले आउट ऑफ दिलेज सेटलमेंट की इतने एरिया में वो लोकेशन देखेंगे लोकेशन ऑफ द हाउसिस एंड अदर सोशली रिलेवेंट साइट सोशली रिलेवेंट साइड हो सकते हैं जैसे रिलीजियस प्लेसेस हो सकते हैं

कम्युनिटी ट्रीज या फिर जेनरेशन ट्रीज हम्म या फिर फैमिली ट्रीज आप बोल सकते हैं कि मेरा दादा परदादा था परदादा का देन दादा आएंगे देन उनके सन आएंगे देन उनके देन मैं आऊंगी देन मेरा मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा ठीक है uh, मेरा मेरा uh, बच्चे का देन उनके, उनके उनके बच्चे का देन उनके उनके, उनके बच्चे का तो दिस इज लाइक फैमिली ट्री मतलब फैमिली ट्री इंडिविजुअल का क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ देखने के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड और फैमिली वुड बी

आप मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक से पूछ के ही वो फैमिली ट्री बनाएंगे बल्कि फैमिली के अदर अदर रिलेटिव से भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंगे कि हाँ ये आप लोग का एक फैमिली ट्री है दिस एक्सरसाइज हेल्प द सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द किनशिप सिस्टम किन्सिप सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी ठीक है ये अंडरस्टैंड मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करते कि किनशिप सिस्टम क्या होता है व्हाट काइंड्स ऑफ रोल्स डिफरेंट रिलेटिव्स प्लेड इन ए परसन लाइफ ठीक है कि क्या क्या रोल प्ले करता था एंड हाउ दिस रिलेशन वेर मेंटेन ये जो रिलेशनशिप मेंटेन कैसे होता था ठीक है मतलब मैरिजेज कैसे होते थे ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप कैसा था हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा था बड़ों के साथ छोटी का रिलेशनशिप कैसा था कैसा रिलीजन था उनका कैसे मतलब कितने फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे तो ये सारा सब कुछ वहाँ पे आ जाता है द एंथ्रोपोलॉजिस्ट वुड कॉन्स्टेंटली बी लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी एंड इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर हम आप लोग एंथ्रोपोलॉजी की बात करें न, उनको लैंग्वेज सीखना एक मास्ट चीज होता था ठीक है आपको लैंग्वेज सीखना ही है अगर उस कम्युनिटी को आप मतलब रिसर्च करिए ठीक है, थीक है? ही और शी वु ऑल्सो भी ऑब्जर्विंग लाइफ इन द कम्युनिटी एंड मेकिंग डिटेल्ड नोट्स ठीक है लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ऑब्जर्व करेंगे एंड डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे इनहू इज़ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी लाइफ वुड भी डिस्क्राइब इस कम्युनिटी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सारा सब कुछ डिटेल नोट्स में एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लिखना है जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स रिलीजियस एंड अदर कलेक्टिव इवेंट्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग ठीक है कैसे अर्न करते हैं वो लोग फैमिली रिलेशंस कैसा है मोल ऑफ साइल रियलिंग मतलब साइल को कैसे पाल पोस्ट कर बला करते हैं उनका क्या क्या मैथोडोलॉजी है ऐसे करने का तो ये सब कुछ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करता है द एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज डिपेंड्स ऑन वन और टू पीपल फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सच पीपल आर कॉल्ड इन्फॉर्मेंट्स एंड प्रिंसिपल इन्फॉर्मेंस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे जाते हैं ठीक है दो तीन लोग उठा लेते हैं वन और टू जिससे वो लोग मतलब इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो लोग एंथ्रोपोलॉजिट को इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग दैट कम्यूनिटी तो वो उनको क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेंस बोलते हैं ठीक है और प्रिंसिपल इन्फॉर्मेंस इंफॉर्मेंट्स एक्स एज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीचर इन्फॉर्मेंस क्या एक्ट करता है एंथ्रोपोलॉजिट का टीचर कि हाँ ये देखिए ये ऐसे हो रहा है ये ऐसे चीज़ों को कर रहे हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए तो मतलब सिखाते हैं की हाँ इस तरीके से आर कुशली इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन द होल प्रोसेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इक्वली इंपॉर्टेंट आर द डिटेल फील्ड नोट्स तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल जो इंफॉर्मेंस है ठीक है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का टीचर के हिसाब से का, काम करते हैं एंड फील्ड नोट्स क्या देखा क्या नहीं देखा एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद अपने एक नोट बनाते हैं ठीक है विदाउट एनी डे फेल कि हर दिन अपने आप को मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ हर चीज एक डेली डायरी के फॉर्मेट में एंथ्रोपोलॉजिट को लिखना पड़ता है ठीक है तो दैट्स इज फॉर टू डेज कल हम बात करेंगे फील्ड वर्क के रिगार्डिंग और ये शायद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा कल का क्लास ठीक है सो दैट्स इज दू डेज वीडियो थैंक यू जय हिंद मातरम